प्रदेश भर में कोरोना महामारी और लॉकडाउन की स्थिति निर्मित होने की दशा में लोगों के हालात इतने खस्ता हो चले हैं कि भूखे मरने की नौबत आन पड़ी। अब बच्चों का भविष्य बनाने वाले शिक्षक भी सड़कों पर उतर आए हैं और मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल मामला खरगोन जिले का है, जहां प्राइवेट स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को मानदेय नहीं मिल रहा है। इसी के चलते शिक्षक सड़कों पर उतरे हैं और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर प्रशासन को समस्या से अवगत कराया है। इस दौरान प्राइवेट शिक्षकों ने मीडिया से खास बातचीत में बताया कि बच्चों की फीस जो बकाया है वो जमा नहीं होने के कारण निजी विद्यालयों की हालत खस्ता है। ऐसे में 4 माह से मानदेय नहीं मिलने से हमारी भूखे मरने की नौबत आ गई। वहीं मीडिया के माध्यम से शिक्षकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि उन्हें राहत कोष में सहायता प्रदान की जाए। खरगोन से तिवारी की रिपोर्ट। प्रदेश के निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को मुख्यमंत्री राहत कोष द्वारा सहायता राशि प्रदान करने बाबत महोदय उपरोक्त विषय अंतर्गत विनम्र निवेदन है कि भारतीय टीचर्स एसोसिएशन जो कि भारत के निजी विद्यालय हम प्राइवेट शिक्षक वर्ष में 10 माह ही कार्य कर पाते हैं तथा हमें 10 माह का ही वेतन प्राप्त होता है तथा प्रति वर्ष क्या मांग लेकर आप लोग आए हैं कलेक्टर? हमारी सबसे पहली मांग है मार्च से पूरे कोरोना पीरियड में जो जो शिक्षकों का और स्कूलों के नॉन टीचिंग स्टाफ का सैलरी ड्यू है वो सभी रिलीज किया जाए सीएम रिलीफ फंड से। ये हमारी सर्वप्रमुख डिमांड है। सेकंड डिमांड है 12 महीने का वेतन कोरोना पीरियड के बाद ही मिलने चाहिए, अभी तक शिक्षकों केवल 10 महीने का वेतन है। तीसरी डिमांड पेंशन पीएफ ग्रेजुएटी मेडिकल इंश्योरेंस हाउसिंग फैसिलिटी जैसे अन्य सोशल सिक्योरिटी स्कीम हम टीचर्स को जल्द से जल्द कवर प्रोवाइड की जाए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 1947 के बाद से आज तक प्राइवेट टीचर्स को लेकर आज तक एक फंड एक पैसे की हम लोगों को रिलीफ नहीं मिली। पहली बार है कि प्राइवेट टीचर्स आज रोड पर निकला, उसकी वजह यह है केवल खरगोन जिले में 5000 प्राइवेट टीचर्स हैं। 5000 प्राइवेट टीचर्स में कम से कम 25000 सदस्य होते हैं। ये 25000 मत हैं, मार्च से ये 25000 लोग एक अच्छे खासे इकोनॉमिकल क्राइसिस का को फेस कर रहे हैं। यहाँ पर पॉइंट ये है कि जिसके पास माँ से कोई पैसा नहीं है, जहाँ पर प्राइसेस इतनी हाइक हो रही है, वो अपना घर कैसे चलाए और कितनी सेविंग को फॉलो करे। सेविंग अब ड्राई हो चुकी है। सुशांत सिंह जैसे अब दोबारा केस ना हो, ये जवाबदारी शासन की है। इन 25000 लोगों ने अपना मत शासन को दिया है। हमारी शासन से डिमांड है कि हमारी मदद करें, अन्यथा आगामी दिवसों में हमें अपने परिवार सहित सरेंडर होना पड़ेगा। सुशांत सिंह जैसी क्राइसिस ना हो, उससे बेटर ये है कि हमें जेल में रख कर खाना मिले, वहाँ पर हमारा यापन हो। आप खुद सोचिए, जिस परिवार में मात से एक पैसे की इनकम नहीं हुई है वो कैसे करेगा? जिस टीचर की तनख्वाह 10000 थी उसको ड्राई हो चुका है, जिस टीचर की तनख्वाह 20000 थी वो भी 50% होकर 10000 हो गई है। 10000 में वो अपने 5 का खर्चा कैसे चलाएगा? और 10000 में 8000 उसके लोन और अदर एक्सपेंसेस जा रहे हैं, 2000 में वो जिंदा रहे या फिर क्या कैसे चले? क्या शुभ नाम है सर आपका? मैं लोकेश सिंह, भारतीय टीचर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष। फिर से हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।